नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी, गंगा प्यारी, भागलपुर। विश्व गौरैया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी में हम लोग जो है आज जयप्रकाश उद्यान में आए हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। सृष्टि की कंप्लीट टीम आई हुई है, लोग सब आ रहे हैं और हम लोग गौरैया के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो है गौरैया अभी शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं दिख रही है। मेन वजह है कि शहरी क्षेत्र में जो मकान सब बन रहे हैं वो नए स्टाइल में बन रहे हैं, रोशनदान लगभग नहीं के बराबर है, तो गौरैया अपना घोंसला कहाँ पर बनाएगी। दूसरा ये कि अनाज वगैरह जो हम लोग पहले छत पैसे सुखाते थे, अब तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग पैकेट बन खरीदते हैं अनाज सब। और भी जानकारी देते हैं हम लोग, पहले आशुतोष जी से बात करते हैं। आशुतोष जी, कुछ बताइए हम लोगों को आज गौरैया के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं आज 20 मार्च है और हम लोग विश्व गौरैया दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है सृष्टि गंगा प्यारी सोसाइटी के साथ एनवायरमेंट वॉरियर के द्वारा जो है घोंसला या फिर उसके खाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और फीडर का भी जो है प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। साथ में कुछ लोग जो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं गौरैया संरक्षण के लिए, तो मैं उसको दे भी रहा हूँ उस चीज़ को और मुफ्त में दे रहा हूँ। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते। जैसे हम लोगों का जो है पहले देखते थे कि गौरैया रोशनदान वगैरह में घर बनाती थी, अब उस तरह का घर बन नहीं रहा है जिसके कारण जो अब ये समस्या आ रही है। उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग जो पहले खुद्दी वगैरह चावल में आते थे वो भी नहीं आ रहे, जिसके कारण अब गौरैया जो है बहुत हद तक घट गई है, कम हो गई। जो हमारे घर आंगन में चहचहाती थी, जिसके चहचहाट से हमारा नींद खुलता था, अब वो सब देखिए धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें बचाना है। गौरैया संरक्षण जो है कीटे मकोड़े को ये बहुत अच्छे जो है मतलब कीटनाशक के तौर पर काम करती है। हमारे गार्डन में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खा जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, और हमारे गार्डन में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का भी ये काम करती है। तो कहा जा सकता है ये कुदरती तौर पर जो है कुदरत के द्वारा हम लोग को दिया हुआ। पर्यावरण के लिए गौरैया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने जयप्रकाश उद्यान ही क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे लोग जो है वो टहलने के लिए आते हैं सुबह सुबह। तो हम लोगों ने ये एरिया इसलिए चुना है कि जो है यहाँ पर लोग सब आएंगे और हम लोग गौरैया के बारे में बताएंगे भी और जागरूक भी करेंगे। तो अभी गौरैया के घोंसला बनाने का सीजन चल रहा है, आप लोग भी जो है अपने अपने छतों के आसपास कोशिश कीजिए कि ऊंचाई से थोड़ा सा, हम लोग की ह्यूमन हाइट की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा पे कोई घोंसला लगाइए। घोंसला का जो साइज जो है वो जो जिसमें गौरैया इन करेगी वो थोड़ा सा छोटा रखिएगा, जिससे कि उसमें और कोई अन्य पक्षी ना आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।